टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। सीएम योगी ने अपना दूसरा कार्यकाल जब से संभाला है तभी से वो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम ने मंत्रियों से एक्शन प्लान भी मांगा है। अब 100 दिन में मंत्रियों का काम दिखने लगेगा। आखिर काम कैसे दिखेगा और इसके लिए क्या कुछ तैयारियां चल रही है, खाका तैयार किया गया है, बैठकों का दौर चल रहा है और क्या कुछ चल रहा है इस वक्त सीएम योगी और उनके मंत्रियों के बीच, देखिए इस रिपोर्ट में। सीएम ने मंत्रियों से मांगा एक्शन प्लान, 100 दिनों में दिखेगा मंत्रियों का काम, हर महीने होगी समीक्षा बैठक, मंत्रियों को देना होगा रिपोर्ट कार्ड। नई सरकार के गठन के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में नजर आ रहे हैं, जहां एक तरफ योगी सरकार ने फ्री राशन योजना को 3 महीनों के लिए और बढ़ा दिया है, तो वही दूसरी तरफ महिलाओं और बच्चियों के लिए घोषणा पत्र में किए गए वादों को भी योगी सरकार पूरा करती नजर आ रही है। इसी कड़ी में योगी ने अपने दूसरे कार्यकाल में भी एंटी रोमियो स्क्वाड और जनता दरबार को सक्रिय करते हुए श्रावस्ती में स्कूल चलो अभियान की भी शुरुआत की है। सीएम योगी और अफसरों ने गोरखपुर और लखनऊ में जनता दरबार लगाकर लोगों की परेशानियों को समझने की कोशिश की। इसके अलावा सीएम योगी ने मंत्रियों से 100 दिन का एक्शन प्लान मांगा। इसको लेकर हर 30 दिन बाद यानी कि 1 महीने में समीक्षा होगी। सभी मंत्रियों को सीएम योगी के सामने रिपोर्ट कार्ड पेश कर योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट देनी होगी। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुख्यमंत्री आवास के ठीक बाहर। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जनता दरबार लगाए हुए हैं। पिछली सरकार में भी जनता दरबार लगाई गई और इस सरकार के गठन के बाद पहली बार जनता दरबार लगाया गया है। हालत ये है कि ये अपनी समस्याओं को लेकर आज मुख्यमंत्री आवास के बाहर पहुंचे हुए हैं। मेरे साथ एक लोग मौजूद हैं, आप अपना नाम बताएं। हमारा नाम लालचंद है। कहां से आए आप? जिला के रहने वाले हैं, ग्राम अमिलिया है हमारा, लालापुर थाने के दरोगा जी हमारे मुसलमान के साथ विरोध करके, यादव जी हैं, शेर सिंह नाम है, और हमको बड़ा बेइज्जती हमारा कर दिया दरोगा जी ने। और पहले 15 दिन पहले बोले कि आधा था और उसके बाद 15 दिन बाद आधा हमको घर बैठा दे, कहीं सब नहीं कहा है। अच्छा, आप अपना नाम बताएं और किन समस्याओं को लेकर यहाँ हैं, क्या आप मुख्यमंत्री से मिले हैं? नहीं, मिले नहीं, मिलने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। हमारे घर नदी के कटान से, हम जिला बलिया के रहने वाला हूँ और ग्राम सभा भोजपुरवा हमारा तहसील बांसडी है, और वहाँ से हमने आया मुख्यमंत्री से। 5 किलोमीटर नदी थी, अब नदी हमारे करीब 200 गज में रह गई है और अब तक अगर इस पर कार्रवाई नहीं, ठोकर नहीं बना गया तो कम से कम 1300 जनसंख्या है, 250 गांव है, बेघर हो जाएगा। इसीलिए मुख्यमंत्री जी के पास हम अपने ये लेके ग्राम समस्या का समाधान अगर नहीं हुआ तो कितने लोग तो मर ही जाएंगे, खाने पीने की भी बहुत मुसीबत हो जाएगी। और साथ ही साथ उनकी तरफ से ये आशा रखी जा रही है कि उन्हें उनकी समस्याओं का निदान मिलेगा। योगी सरकार जब 2017 में सत्ता में आई तो योगी ने अपने कार्यकाल में सूबे को दंगा मुक्त रखने के साथ साथ यूपी को बीमारू राज्य से निकालकर आधुनिक प्रदेश बनाने की नई कहानी लिखी है। इतना ही नहीं, कोरोना काल में जिस मुस्तैदी के साथ वे इस समस्या से निपटते हैं वो भी मिसाल बन गया। योगी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक यूपी को दंगा मुक्त बनाने की भी उपलब्धि शामिल है। साथ ही योगी ने उत्तर प्रदेश को कुल 7 एयरपोर्ट के साथ सूबे को एयरपोर्ट प्रदेश भी बना दिया। सीएम योगी अपनी नई टीम के साथ पूरे जोश खरोश के साथ काम करते नजर आ रहे हैं। यूपी के मुखिया की कुर्सी दोबारा संभालने वाले सीएम योगी 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए काम में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते, तभी तो आते ही वो फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। देश में महंगाई जनता की कमर तोड़ने का काम कर रही है और लगातार बढ़ रही महंगाई जनता को बेबस कर रही है। 22 मार्च से अब तक 13वीं बार पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हो चुकी है, देखिए ये रिपोर्ट। जनता पर महंगाई की मार, फिर बढ़ी पेट्रोल डीजल की कीमतें। 22 मार्च से अब तक
13वीं बार बढ़े दाम। बढ़ते दामों से जनता हुई परेशान, आखिर कितना जलेगी जेब। पेट्रोल डीजल के दाम अब आसमान छूने लगे हैं। दिल्ली, लखनऊ समेत देश के लगभग सभी राज्यों में पेट्रोल की कीमतें 100 के पार जा चुकी हैं और डीजल अब धीरे धीरे शतक की ओर बढ़ रहा है। इसी बीच एक बार फिर तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर महंगाई को नए शिखर पर पहुंचा दिया है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद पिछले 9 दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में धीरे धीरे रेट जो है वो बढ़ने लगे हैं। इसी क्रम में हम मौजूद हैं एक पेट्रोल पंप पे, जहां तमाम लोग पेट्रोल ले रहे हैं। उनसे जानेंगे कि वो पेट्रोल और डीजल की जो बढ़ती कीमतें हैं उस पर क्या कहेंगे। मैं हमारे साथ एक व्यापारी वर्ग से, जो अपनी बाइक को व्यापार के तौर पे यूज करते हैं, अपने व्यापार को बढ़ाने के तौर पे यूज करते हैं। आप अपना नाम बता दें। हरिराम चौसिया। अच्छा, आप इससे अपने बाइक को यूज करते हैं अपने काम के लिए, तो क्या आपकी जेब पे कुछ असर आ रहा है पहले के मुताबिक? जेब पे जब बढ़ेगा रेट तो आएगा तो असर है, कोई भी हो। पहले कितने का तेल डलाते थे और कितने दिन चलता था, आज का जैसे अगर पर डे के हिसाब से देखें तो क्या रेशियो है? पहले डराते थे 310 का तो 4 दिन चलाते थे, अब 310 का डराते 3 दिन चलाते हैं। पिछले 9 दिनों से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, क्या कहेंगे, किस नज़र से देखते हैं इसको? बिल्कुल बढ़ते रहना चाहिए, इतना ये थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे हैं, तो कह रहे हैं 100 रुपये बढ़ाना चाहिए पर डे, इतना बढ़ावे गवर्नमेंट। 101 रुपये तेल है यार, हम कह रहे हैं 500 रुपये एक लीटर एक दिन में क्यों नहीं बढ़ा देती है? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? हम इसलिए कह रहे हैं सब्सिडी नहीं चाहिए, सब्सिडी खत्म कर दे, रोज घटाने का सिस्टम ही क्यों, तो आप ही से लेकर के आप ही को देना है। एक कहावत है, मामा आए बुआ हंसी और दिए 5 ले गए 80, जनता इसी में खुश, हम भी खुश। तो हमारे साथ आपने सुना कि तमाम लोगों के तमाम विचार हैं, उसी क्रम में हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। भाई अपना नाम बताओ। अंकुर। अंकुर, ये बताओ पिछले 9 दिनों से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, तुम्हारी बाइक के टंकी पे और तुम्हारे जेब पे क्या असर आ रहा है? बहुत आता है सर टंकी में। क्या आशा आप एक साथ रखेंगे सरकार से? रेट तो कम ही होना चाहिए, जितना चलता रेट कम होना चाहिए, वैसे और क्या रखेंगे। दरअसल 22 मार्च से तेल की कीमतों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। पिछले 15 दिनों में 13 बार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। बीते 2 सप्ताह में कुल 9 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हो चुकी है। इन 15 दिनों में केवल 2 दिन यानी 24 मार्च और 1 अप्रैल को छोड़कर बाकी हर दिन तेल की कीमत लगातार बढ़ी है। तो हमने यहाँ मौजूद तमाम लोगों से बात किया और उनके विचार जाने पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पे, जिसमें साफ तौर पे अगर कहा जाए तो लोगों के विचार मिला जुला है। किसी का ये कहना है कि सरकार पेट्रोल और डीजल के दामों को बढ़ाकर और सब्सिडी पे काम कर रही है, तो वहीं अगर बात की जाए तो तमाम ऐसे भी लोग थे जिनका साफ तौर पे ये कहना था कि पेट्रोल और डीजलों के दामों पे कुछ कटौती करके सरकार को जनता को राहत देना चाहिए। और वहीं अगर बात की जाए तो व्यावसायिक रूप से जो लोग पेट्रोल और डीजल का उपयोग कर रहे हैं उन्हें उनके जेब भारी, अगर देखें तो उन्हें भारी मोटी मोटी रकम आज के समय देनी पड़ रही है। लगातार पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों ने आम जनता की मुसीबत को बढ़ा दिया है, लोगों पर महंगाई की चौतरफा मार पड़ रही है। अगर समय रहते तेल की कीमतों पर काबू नहीं पाया गया तो वो दिन दूर नहीं जब पेट्रोल डीजल के दाम डबल सेंचुरी मारेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसका असर जनता की जेब पर तो पड़ ही रहा है, साथ ही साथ महंगाई भी बढ़ रही है। यार रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।